La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. कुछ ऐसे उलूम हैं जिनका हासिल करना जरूरी है इससे पहले कि इंसान ख्वाब की ताबीर करे, और ये अल्लामा मोहम्मद इबन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने इन उलूम की पूरी फहरिस्त हमें दी है। तो अल्लामा इबन मोहम्मद इबन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि भाई इल्म ताबीर में माहिर और कामिल होने के लिए इन उलूम का जानना जरूरी है। एक कि उसके पास कुरान का इल्म हो और साथ साथ तफसीर का इल्म भी हो, ना सिर्फ कि कुरान पर उसकी मुकम्मल नज़र हो, उसकी तफसीर कुरान पर भी नज़र हो, वो कुरान को बमानी समझता भी हो और उनके मफहूम को भी जानता हो और उसकी तफसीर को भी जानता हो कुरानी आयात का। और कुरानी आयात की तफसीर का जो इल्म है बजाते खुद बहुत गहरा इल्म है। इलाबाजी वो कहते हैं उसके पास इल्म हदीस भी हो, हदीस पर भी उसकी नज़र हो और इल्मुल हदीस भी हो उसके पास, फ़िक्हुल हदीस भी हो उसके पास जो है वो रिवायतें जो हैं उसकी नज़र से गुजरी भी हों, उसके हाफ़ज़े में भी हों, वो हदीस का भी आलिम हो, तफसीर का भी आलिम हो, हदीस का भी आलिम हो, मुहद्दिस हो, साथ साथ वो कहते हैं कि ज़र्बुल इम्साल का भी इल्म रखता हो, इसको आप कहते हैं ना प्रोवर्ब्स, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये प्रोवर्ब्स। अब मिसाल के तौर पर उर्दू का एक प्रोवर्ब है कि ये खीर टेढ़ी है। अब कभी आपने जिंदगी में टेढ़ी खीर देखी है? खीर तो टेढ़ी होती नहीं। कहने का मकसद है ये काम बड़ा टेढ़ा है, ये टेढ़ा काम है तो ये खीर टेढ़ी है। मेरे उससे दो दो हाथ हो गए, ये दो दो हाथ कैसे होते हैं? गोया ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया, तो ऊंट तो पहाड़ के नीचे से गुजरते रहते हैं, क्या मतलब हुआ? तो अब ये मुहावरात होते हैं, इसी तरह अरबी जबान में भी मुहावरात होते हैं, ख्वाब में भी मुहावरात और किरायात और इशारात होते हैं। तो ज़र्बुल इम्साल का, प्रोवर्ब्स का जो इल्म है ना, जब चीज़ों को तमसीलन समझाया जाता है, मिसाल से समझाया जाता है, भाई ऊंट पहाड़ के नीचे आने से क्या मुराद है? दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो बजाते खुद तो बहुत बड़े हैं, लेकिन एक अपने आप को बड़ा समझने वाला अपने से बड़े के सामने आ जाए, तो ये मिसाल से फिर वो मिसाल ज़र्बुल मिसाल निकली है। क्या पता चलेगा ना, दूध का दूध और पानी का पानी, जब तुम जाओगे किसी के सामने जो जिसके सामने तुम छोटे नजर आओगे, कि गोया ऊंट अपने आप को तो बहुत बड़ा देखता है लेकिन पहाड़ के आगे तो छोटा सा नजर आता है। तो अब देखें ज़र्बुल इम्साल का इल्म भी हो, वो साथ साथ कहते हैं कि अशआर का इल्म भी हो। और चूंकि मोहम्मद इबन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह जो है वो अरब ममालिक में रहते थे, इसलिए उन्होंने अशआर अरब का जिक्र किया है। अच्छा, इसी तरह वो कहते हैं नवादिरात का भी तुम्हारे पास इल्म होना चाहिए, अनोखी चीज़ें जो होती है, नवादिरात जो होते हैं अनोखी चीज़ें। इसी तरह वो कहते हैं कि इल्म ग्रामर का इल्म भी होना चाहिए, अरबी जबान की ग्रामर में इल्म सर्फ एक सर्फ एक इल्म है, इसी तरह इल्म नहफ एक इल्म है। इन दोनों उलूम का हासिल करना ज़रूरी है कुरान पाक की के अरबी को समझने के लिए, इसलिए पहले हम सर्फ और नहव की किताबें पढ़ते हैं और फिर हम कुरानी अरबिक पढ़ते हैं। तो ग्रामर के ऊपर भी उसका इल्म होना चाहिए, अरबी और लुगत से भी वो वाकिफ हो। अच्छा, इसी तरह वो कहते हैं इल्म लुगात भी होना चाहिए उसके पास, डिक्शनरी जो होती है ना उसको अरबी लुगत का भी पता हो, या जो भी जबान हो उसकी लुगत का भी पता हो, वो लुगात का भी इल्म रखता हो, डिक्शनरी का भी उसके पास इल्म हो कि जबान में कौन कौन से अल्फाज हैं, उनके क्या क्या माने निकलते हैं। तो इल्म अल्फाज मुतदाविला का भी इल्म हो कि हर भाई ज़मानों में मुख्तलिफ लफ्ज चेंज होते रहते हैं। मिसाल के तौर पे अंग्रेजी जबान में है हाउ आर यू, आप कैसे हैं? अब हाउ आर यू जो है इसको कई मानों में बोला जा सकता है, कई तरीकों से बोला जा सकता है। मिसाल के तौर पे किसी ने कहा व्हाट्स अप मैन, हाउ यू डूइंग, एंड हाउ यू डूइंग और हाउ आर यू में फ़र्क है, बज़ाहिर तो मतलब एक ही है। व्हाट्स अप मैन का भी वही मतलब है जो हाउ आर यू का मतलब है। तो अब ये अल्फाज मुतदाविल हैं लेकिन माना एक निकलता है, तो इल्म अल्फाज मुतदाविला भी हो। तो ये चंद उलूम हैं जिनका मोहम्मद इबन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में जिक्र किया है कि जो इल्म ताबीर कर रहा हो
جس کے پاس علم تعبیر کا جو کہہ رہا ہو کہ میرے پاس علم تعبیر ہے اور وہ تعبیرات بتاتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کئی علوم کے اوپر مہارت رکھتا ہو. اس لیے تعبیر رویا ہر کسی سے نہیں پوچھی جاتی, خوابوں کی تعبیر ہر کسی سے نہیں پوچھی جاتی. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.